हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड न्यू ब्लॉग्स। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो फाइनली गाइस, हम आज आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी के हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिना किसी देरी के, आपको पता ही है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। थोड़ा सा आपको बता दूँ कि गणतंत्र दिवस आज के ही दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था संपूर्ण देश में। तो इसीलिए इस दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ अपनी कुछ शायरियों की ओर, जो मैंने अपने वतन के लिए बोली हैं। आप भी उन्हें बोल सकते हैं अपने स्कूल में या कॉलेज में या कहीं और जगह, क्योंकि मैंने सारी अपने वतन के लिए बोली हैं, कोई अदर चीज़ के लिए नहीं बोली है। तो आप 26 जनवरी या 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भी बोल सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको हमारी शायरियाँ कैसी लगी, और हो सके तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। क्योंकि जिस वीडियो का आनंद आप ले रहे हैं, हो सकता है आपका दोस्त भी उस वीडियो का आनंद ले सके। तो बिना किसी देरी के हम सीधे चलते हैं उन शायरियों की ओर। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, हम मिलते हैं आपको स्टेज पर जहां पर हम शायरी बोलेंगे। तो चलिए गाइस, हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी बसंत पंचमी। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। खून का हर एक कतरा वतन के नाम कर दूंगा, खून का हर एक कतरा अपने वतन के नाम कर जाऊंगा। मेरे देश की तरक्की के लिए, मेरी देश की तरक्की के लिए मैं हर काम कर जाऊंगा। तैरना है तो समुद्र में तैरो, तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में कह रखा है। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में कह रखा है। प्यार करना है तो अपने वतन से करो, प्यार करना है तो अपने वतन से करो, इन बेवफा लोगों में कह रखा है। मुझे ना धन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे ना धन चाहिए ना धन चाहिए, बस समझ से भरा यह वतन चाहिए। मुझे ना धन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ इस मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूँ इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूँ तो तिरंगा कफन चाहिए। नजारे नजर से यह कहने लगे, नजारे नजर से यह कहने लगे, नया
हमारे ज्यादातर भाइयों का सपना होता है आर्मी में जाने का, तो मेरा भी पहले सपना था आर्मी में जाने का, लेकिन किसी कारण से मेरा हाथ थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण तो ये तारीफ अपने देश के जवानों के लिए भी बोलूंगा, बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जब तक एक गोद भी लहूगी, बची हो जब तक एक गोद भी लहूगी, तब तक अपनी भारत माता का आंचल नीलाम।